हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 यानी कि 2020 में 10वीं और 12वीं परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़े बदलाव किया गया है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दिया, अब कोई फेल नहीं होगा। अचानक बड़ा फैसला लिया गया यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परीक्षा में पास हों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या वो फैसला लिया गया है और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में बदला पोस्टनिस्ट प्रश्नों का पैटर्न, तो आज के निश न्यूज़पेपर में आया है। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में आपको लेकर चलते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ आज के न्यूज़पेपर, ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया 5 जुलाई 2019 का यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिया गया है। और यहाँ पर हेडिंग में आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने प्रश्न पत्र के पैटर्न में फिर किया बदलाव, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बिहार बोर्ड फिर से पैटर्न को बदलाव किया है। मैट्रिक व इंटर में 100 अंकों में 60 प्रश्न ऑब्जेक्ट, इनमें 50 के जवाब देना, यानी कि दोस्तों पिछले साल भी परीक्षा में बदलाव किया गया था पैटर्न में, जहां पर आपको 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते थे। तो यहां पर फिर से 10 क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया और पूरा इसके डिटेल में बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको यहां पर पूरा न्यूज़पेपर को पढ़कर बताते हैं, आप इसको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पैटर्न में फिर बदलाव किया। अब दोनों परीक्षाओं में 100 अंकों के विषय में 50 के बदले 60 बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गए, यानी कि दोस्तों 50 के बदले आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। छात्रों को 60 में से 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका 60 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, कोई 50, यानी कि दोस्तों सीरियल 1 से लेकर 60 में आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको 60 में से 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। अब तक 100 अंकों के विषय में 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते थे और छात्रों के लिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य था, लेकिन अब छात्रों को अपनी जानकारी के हिसाब से 60 में से 50 प्रश्न चुनने का विकल्प रहेगा, जबकि 70 अंक के विषय में 42 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है जो 70 नंबर के होते हैं उनमें आपको 42 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, इनमें से 35 प्रश्नों का जवाब देना, यानी हर पेपर में 20% ऑब्जेक्टिव सवालों को बढ़ा दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्रों की सहूलियत के लिए यह निर्णय लिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि छात्रों के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पास हो। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से आपको क्वेश्चन होंगे, तो 70 अंक के विषय में 42 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, तो नए प्रश्नों के प्रारूप के तहत 100 अंकों वाले विषयों में 60 प्रश्न 1 अंक और 70 अंक वाले प्रैक्टिकल वाले विषय में 42 प्रश्न 1 अंक पर आधारित होंगे। इसके अलावा 2-2 अंकों के लघु उत्तरीय और 5-5 अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने प्रश्न पत्रों के पैटर्न में पिछले 2 साल में 2 बार बदलाव किया, यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड के अध्यक्ष चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पास हों, तो इस बार 2 बार बदलाव किया गया है प्रश्न पत्र में। पिछले 2 साल में 2 बार बदलाव किया गया, इनमें वर्ष 2018 की वार्षिक परीक्षा में 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाने का निर्णय लिया गया था, पहले 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और आपको दिया गया है यहाँ पर, सभी 60 जवाब दिए तो शुरू के 50 की जाँच, यानी कि दोस्तों अगर आप जो 60 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है सभी का आप जवाब दे देते हैं तो आपको शुरू की 50 क्वेश्चन को ही जाँच किया जाएगा, यानी कि बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अगर किसी बच्चे ने गलती या जानबूझकर सभी 60 सवालों को टिक कर दिया तो पहले 50 प्रश्नों पर ही उनके अंक जोड़े जाएंगे, यानी कि दोस्तों गलती से अगर आप 60 क्वेश्चन को टिक कर देते तो आपको पहले 50 प्रश्नों का ही अंक जोड़े जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है छात्र अधिक से अधिक नंबर ला सके, इसलिए लिया गया है फैसला, आनंद किशोर ने बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं आनंद किशोर बोले, विकल्प न रहने से टॉपर भी 1-2
प्रश्नों के गलत जवाब दे देते हैं, इनमें 100 में से 100 अंक नहीं ला पाते थे, इसलिए निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में पास हो, तो बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो 2020 में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैट्रिक के हो या इंटर के छात्र हो, तो सभी के पास इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि मेरा वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।